इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है। देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है। कदम पर गाना है, हंसना है रोना है, जीना है मर जाना है, यानी कुछ कर जाना है। हर लम्हा बेहतरीन, देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, जमाना है रंगीन। पिछली बार जब पूछा था तब 8 बजे में 4 मिनट बाकी थे ना, अब 2 मिनट बाकी। अच्छा अच्छा, कम बोला कर, जा अपना काम कर। कोई करने दे तब ना। जरा सा काम बोलो तो 10 बातें सुनो। तुम्हारे इतनी तेज चला था, मगर दिमाग बिल्कुल नहीं। इडियट। थैंक यू। तुम 5 बजे आकर मेरी नॉवल सुनने वाले थे ना। अरे रास्ते में पचड़े फंस गया। करीमा साहब के लिए पानी ले आना। अरे चांस नहीं, आधे घंटे है, मुझे होटल कंफर्ट पहुंचना है आईटी कॉन्फ्रेंस के लिए। तो यहां से वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? 10 मिनट। और नहाने में? 25 मिनट। 25 क्यों? 10 मिनट नहाने में, 10 मिनट शेव करने में, 5 मिनट कपड़े पहनने में। फिर भी 15 मिनट बाकी बचे हैं। चलो इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पानी पिलाइए, सुनाइए। लाइन अच्छी है, मैं इसे अपनी नॉवल में यूज करूंगी और तुम ही को दे दूंगी। मुझे दोगी यानी? मेरे इस नॉवेल के हीरो का नाम समीर है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर सुनो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने समीर को कैसे ट्रीट किया। You know what I mean, that I don't mean what I mean. Sometimes I mean what I don't mean. समीर समीर please, seriously. Don't be mean, हाँ? ये सीरियस नॉवेल है क्या? सुनो ना, हाँ। क्यों मेरी खिंचाई कर रहे हो? सुनोगे? मेरा मतलब सुनोगे? हाँ। चलो सुनो। हाँ। तो समय रात की काली चादर बिछा रहा है, पंछी अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। क्या? तुझसे नहीं, तू जा। समीर भी घर जा रहा है, तभी सड़क पर उसे एक भीड़ नजर आती है। वो अपनी गाड़ी साइड को लगा लेता है और फिर वो दिलेर इंसान उस भीड़ में कूद जाता है और फिर देखता है कि कुछ लोग एक आदमी को बुरी तरह से पीट रहे हैं। हाँ, फिर समीर बहादुरी से उन लोगों का हाथ पकड़ लेता है, तभी उन मुस्टंडों का सरदार जॉनी कहता है। टोनी, टोनी। जॉनी, मैंने जॉनी लिखा। मगर उसका नाम टोनी है। किसका नाम टोनी है? तुम जिसे जॉनी कह रही हो। मगर तुम किसे कह रहे हो? तुम्हारे जॉनी को टोनी कह रहा हूँ, क्योंकि जॉनी जॉनी नहीं टोनी है। तुम कैसे कह सकते हो? ये तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पता चल गया। क्या? कि मैंने आज एक पिटते हुए आदमी को बचाया। यानी मैं साइकिक हो रही हूं? नहीं, कहीं तुम मेरी खिंचाई तो नहीं कर रहे हो? नहीं, रियली सचमुच आज मैंने एक पिटते हुए आदमी को टोनी नाम के आदमी से बचाया। मगर ये कैसे हो सकता है? ये सब तो मैंने आज ही लिखा है। लेकिन आज ही तो मेरे साथ भी ये सब हुआ। नहीं नहीं, सच सच बताओ ना समीर, क्या हुआ? नहीं कुछ खास नहीं, एक जगह झगड़ा चल रहा था, बस मैं घुस गया अंदर, वहां जाके देखता हूँ एक खूंखार सा आदमी एक दुबले पतले आदमी की पिटाई कर रहा है। बस मुझे गुस्सा आ गया, यू नो आई एम अ हॉट एंड शॉर्ट टेंपर्ड गाय। मैंने उसका जाके फौरन हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, ए तो जानता नहीं मेरे को, मेरा नाम टोनी है। अरे मैंने कहा तेरा नाम टोनी हो, बोनी हो, पोनी हो, घास की गोनी हो, रेंदे रेंदे बहुत देखे तेरे जैसे। उसने आओ देखा ना, ताओ मेरे ऊपर एक हाथ चला दिया, तो मैंने एक हाथ से तो रोका उसका वार और दूसरे हाथ से जो नेवी का चॉप लगाया तो चारों खाने। वो तो लोगों ने मुझे रोक दिया, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। You know, I'm a hot and short tempered guy. Yes, my hero, and you're so brave. So brave too. अब ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं है, आगे बताओ क्या हुआ, मेरे पास टाइम नहीं। हाँ, आगे, आगे। समीर बीच बचाव करता है और उस बीच हाथापाई में उसका पर्स गिर जाता है। ये क्या क्या? क्या क्या? नहीं नहीं, बैठ जाओ। ये नहीं, लेकिन मेरा पर्स क्यों गिरा दिया? ये नॉवल है ना, इसमें रोमांच भरने के लिए सब करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, आगे आगे। फिर जॉनी समीर के घर आ पहुँचता है। आपको मिलने एक आदमी आया, अपना नाम टोनी बताता है। सुनो, तुम्हारे नॉवल में समीर का और क्या क्या होता है? मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। मतलब
पहले उस आदमी से तो मिल लो, जाओ। आप यहाँ आ गए, आप तो यहाँ भी आ गए। देख लीजिए, हम आपके घर भी पहुँच। आप तो हमारे घर भी आ गए। थैंक यू वेरी मच। पानी, उनको जिक्र था आपके पानी का, मेरा मतलब है आपके आने का। जब पर्स नहीं मिला होएगा तभी हमको याद किया होएगा। पर्स लीजिए, पैसे गिन लीजिए। नहीं नहीं, पैसे तो होंगे, जरूर होंगे, ज्यादा ही होंगे, कम होने का तो सवाल ही नहीं होता। नहीं, लेकिन ज्यादा क्यों होंगे? उतने होंगे ना जितने होंगे, मैं भी कमाल करता हूँ। चाय पियेंगे। लेकिन इस वक्त हम जरा जल्दी में हैं, फिर कभी। कोई बात नहीं, जल्दी में होना तो बहुत अच्छी बात है। मैं अक्सर हमेशा जल्दी में रहता हूँ, ये भी हमेशा जल्दी में रहती हूँ। आते रहिएगा, इसे अपना ही घर समझिए। गुड नाइट। गुड नाइट है? गुड नाइट मतलब? गुड नाइट मतलब आपको नहीं मालूम? गुड नाइट का मतलब होता है घर से बाहर जाइए। देखा कैसा भगा दिया? हाँ देखा, उस वक्त बड़े डींगे हाँक रहे थे। डींग कौन हाँक रहा था? मैं तो सच कह रहा था। तो उसके सामने क्या हुआ? अब उसके सामने मतलब जो हुआ सो हुआ, लेकिन क्या है ना, उस समय इंस्पेक्टर घोरपड़े मेरे साथ था। तभी इतनी बहादुरी सूझ रही थी। अब छोड़ो ना वो स्टेल टॉपिक को, दो अपना नॉवल तो मुझे पढ़ना है। क्यों? अरे मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने सभी को कैसे ट्रीट किया, फिर दो मिनट में नहाना भी है। सोमू चुप क्यों हो? मेरा नॉवेल अच्छा नहीं लगा? हिट है। जिन लोगों के लिए तुमने ये नॉवेल लिखा है ना, उस क्लास में तो ये हिट है। किस क्लास में हिट है? तुम्हारी ये नॉवेल रिक्शा वाले, टांगे वाले, फेरी वाले, दूध वाले, नाई मोची, दही जमात भंगी, ऐसे कई लोगों में बहुत पॉपुलर होगी। छी, इतना खराब है? अरे मैंने खराब कहां कहा, सुनो, ये भी तो तुम्हारी राइटिंग कैपेसिटी की एक वैरायटी है। अरे भाई समीर, ये कौन आया था कल शाम को? करीमा बता रहा था कि तुम थर थर कांप रहे थे और तुम्हारे पसीने छूट गए। कौन पसीने पसीने हो रहा था? ए करीमा के बच्चे, इतना बड़ा चढ़ा के बोल दिया। नहीं नहीं चाचा, चाची का नॉवल है ना, तो थोड़ा बड़ा चढ़ा के तो बोलना ही चाहिए ना। अरे तो थोड़ा ना, इतना। वैसे आया कौन था? मम्मी जी, मेरे नॉवल का कैरेक्टर था। तुम्हारे नॉवल का कैरेक्टर था? अच्छा अच्छा, वो कहाँ से निकल के आया था, किताब से या कंप्यूटर से? कंप्यूटर में से मम्मी जी, कंप्यूटर में से। तभी तो वो गुंडा मवाली बदमाश होने के बावजूद मेरा पर्स लौटाने यहाँ आ गया था, यहाँ। या फिर पर्स लौटाने के बहाने घर देखने आया होगा। नहीं 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 साहब, क्या हुआ होगा, समीर की जेब मतलब चाचा नॉवल वाला समीर, उसकी जेब काटने के बाद उसको पछतावा हुआ होगा और साधु बन गया होगा, माफी मांगने आया होगा। चुप करीमा, चले तू जा यहाँ से। भैया आगे का सीन तो सुनिए। हाँ, सुना सुना। सुनिए, जॉनी के पर्स लौटाने के बाद अगले दिन जब समीर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है, तभी एक सब इंस्पेक्टर आ जाता है। चाची देखो शायद आ गया होगा। करीमा तो मार खाएगा। हाँ नहीं, कहाँ थी? सब इंस्पेक्टर। हाँ, तो वो सब इंस्पेक्टर समीर को सल्यूट कर रहा है। कम है सोनू, कम से कम 7 तोपों की सलामी तो दिलवाओ ना। मम्मी जी देखिए ना। नहीं नहीं, बहुत गलत बात है समीर। देखो सुनीता तुम्हारे लिए कितना अच्छा अच्छा सोचती है, कितना अच्छा अच्छा लिखती है तुम। अरे यार, एक सब इंस्पेक्टर ने तुम्हें सलाम किया। अरे यार, यू शुड बी ग्रेटफुल टू चाची। आई एम हाईली ओब्लाइज्ड। ओहो, अरे उसको बोले देना यार। हाँ चाची बोल। तो फिर सब इंस्पेक्टर कहता है, समीर साहब आपके जैसे बहादुर इंसान की कानून को सख्त जरूरत है, जॉनी के केस के सिलसिले में आपको गवाही देनी होगी। मैं क्यों और क्या दूंगा गवाही? यही कहता है समीर। क्या एग्जैक्टली यही लव्स? हाँ तो इंस्पेक्टर कहता है, सब इंस्पेक्टर। ओहो खोते से बोले देना यार। हाँ चाची बोल। तो सब इंस्पेक्टर कहता है, समीर साहब आज बेचारा कानून आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से आस लगाए देख रहा है, चलिए और सच्ची गवाही के लिए तरसती अदालत के कानों में सच का रस घोलिए। ओए समीर, लगता है टोनी के साथ साथ इंस्पेक्टर भी आ गया है। सुनो तुम भी क्या क्या कैरेक्टर सोच लेती हो, जिनका रियल जिंदगी में कोई वजूद ही नहीं है। क्यों, मेरा जॉनी तुम्हें टोनी की शक्ल में नहीं मिला था? अच्छा, आपसे मिलने कोई इंस्पेक्टर आया है? समीर साहब, आज कानून को आपकी तरह बहादुर युवकों की सख्त जरूरत है। समीर समीर साहब,
आज कानून को आपकी तरह बहादुर युवकों की सख्त जरूरत है। आपको टोनी के केस के सिलसिले में कोर्ट में जरूर आना होगा। नहीं सोमू नहीं। पर क्यों? नहीं नहीं कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप लगे रहिए। आज कानून समीर साहब की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से आस लगाया देख रहा है। चलिए और सच्ची गवाही के लिए तरसती अदालत के कानों में सच का रस घोलिए। तब तो और नहीं, तब तो और नहीं। पर क्यों क्यों? सोमू मैंने जो आगे का सीन लिखा है वो सुन लो, फिर फैसला तुम्हारे हाथ में। आगे का सीन? What do you mean? अदालत में जॉनी समीर को जान से मारने की धमकी देता है। ये जॉनी कौन है? जिसे आप टोनी कह रहे हैं। अच्छा, यानी जॉनी टोनी दो तो नाम। समीर बाबू अब तो आपको गवाही देनी ही पड़ेगी। वो पतला तो क्या धमकी भी नहीं दे सकता। अरे देगा। नहीं देगा। मैं कह रही हूँ ना देगा। अरे मैं बोल रहा हूँ पीके शर्मा नहीं दे पाएगा। देगा देगा देगा। नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। वो धमकी भी देगा और बदला भी लेगा। मैंने जो जो लिखा है वो हुआ है। जो जो लिखा वो सब हुआ है? मतलब क्या आप लोगों का? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, दरअसल बात ये है ना कि मेरी पत्नी एक नॉवल लिख रही है, पीके शर्मा इनका नाम है। उसमें उन्होंने ये पहले सीन में लिखा है कि मेरी झड़प एक गुंडे के साथ हो जाती है, और कल मेरी झड़प वाकई गुंडे के साथ हो गई। जैसा इन्होंने लिखा था ना, वाकई बिल्कुल वैसे वैसा हुआ। वाह। और दूसरा सीन ये है कि वो समीर का पर्स लौटाने घर आता है और वो वाकई हमारे घर आ गया। यानी कि वाह वाह। हाँ, और अभी भी ये कह रही थी कि एक इंस्पेक्टर आता है, इतने में आप आ गए। आपने मेरे भविष्य के बारे में क्या सोचा? आपके? इतना नजदीक बताइए पीके। एक्चुअली आपने अपने उपन्यास की इंस्पेक्टर के भविष्य के बारे में क्या सोचा? दो हफ्ते बाद उसकी तरक्की हो जाती है। समीर बाबू अब तो आपको किसी अदालत में आने की जरूरत ही नहीं है। ये टोनी मोनी फोनी क्या चीज है, आपको क्या मतलब? आप घर में रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। अरे आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? नहीं नहीं समीर, तुम जरूर जाना, एक अच्छे नागरिक को जरूर जाना चाहिए। तो फिर अपने रिस्क पे आई, मैं चला। सुनो रे, मैं अपने रिस्क पे चला। नहीं नहीं सोमू 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 सोमू, जाओ जाओ जाओ। जरा मेरा सोचो, आभा का सोचो, विशाल का सोचो, भैया का सोचो, मम्मी जी का सोचो, अरे कुछ भी सोचो मगर मत जाओ। ओहो चाची, इतने घबराने की क्या जरूरत है? ये तो महज एक इत्तेफाक था, और फिर सीन लिखना तुम्हारे हाथ में है ना, अगली बार अच्छा सीन लिख देना। चल खोते आ जा। चाची। हाँ भैया। क्या बात है, नॉवलिस्ट बड़ा परेशान है। हाँ भैया, अभी ने कहा था ना कुछ अच्छा अच्छा लिखने को, मैं कब से कोशिश में लगी हूँ मगर कुछ अच्छा आ ही नहीं रहा। छी, क्या हो गया मेरे दिमाग को? सुनाओगी? ना ना ना, अब मैं अपने मुंह से एक ग्लास भी नहीं फूटूंगी। थैंक्स चाची। डैडी जी। आ रही तुम्हें मम्मी जी ऊपर से आ रही, उन्हें सुना देना। टोनी से मारपीट वाला सीन मैंने ब्लैक इंक में लिखा था, वो हो गया तो मुझे लगा शायद काली स्याही मनहूस है। इंस्पेक्टर वाला सीन मैंने रेड इंक में लिखा तो इंस्पेक्टर भी आ गया। अब कोर्ट वाला सीन मैंने ब्लू इंक में लिखा है, सोमू आएगा तो पता चलेगा वो भी सही है कि नहीं। चाची ये सारी तुम्हारी गलती है। हाय कैसे, बताइए भैया बताइए, मैं फौरन अपनी गलती सुधार दूंगी। भाई देखो, जब तुम कंप्यूटर पे लिखती थी ना सब कुछ ठीक था, ये कागज से लिखना शुरू किया और टंटा शुरू हो गया, सब स्याही की गड़बड़ आई। ओए खोते रिवाइंड। तू कोर्ट गया था ना? हाँ। क्या हुआ? हो गया। सोमू उसने कोर्ट में तुम्हें धमकी दी ना? ना, धमकियां दी और धमकी दे दे के धमकाता रहा। तुम भी क्या क्या लिख देती हो, बंद करो ये लिखना फिकना। हाय राम, मम्मी जी। बल्लाज संभल के चाल चलो, तुम्हारी तो लुटिया डूबने वाली है। ओ डैडी जी, ईमानदारी से खेलने से ऐसा ही होता है। व्हाट डू यू मीन, तुम क्या समझते हो मैं समीर की तरह खेलती हूँ? अरे अरे उसका तो नाम ही मत दीजिए, उसके साथ तो मैंने खेलना ही छोड़ दिया है। तुमने भी? हाँ। तो फिर वो बेचारा किसके साथ खेलता है? मम्मी जी, रहूंगा ही नहीं तो खेलूंगा क्या, अब तो मैं चंद दिनों का ही मेहमान हूँ। समीर ये कैसा बेहूदा मजाक है। हाँ,
मम्मी जी अब तो मैंने मजाक भी छोड़ दिया है और बेहूदगी भी, अब तो सबको खुश रखना है। ओए बकवास बंद कर। कैसी बकवास भैया जी, अब तो ये आवाज भी बंद होने वाली है। मारिया ना डैडी जी, मैं तो मरने से पहले एक एक की ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। मरे तुम्हारी दुश्मन, बेटा तुम्हें ऐसे हुआ ही क्या है? मम्मी जी मैं इस ब्रह्मांड में इकलौता व्यक्ति हूँ जो खामखा स्याही की मौत मर रहा हूँ। अभी कोई मरता है क्या? और खामखा किसी की बीवी भी ऐसा नॉवल लिखती है क्या कि जो जो वो लिखती जाए वो सच होता जाए? ये इत्तेफाक नहीं है डैडी जी, हकीकत है। जब किसी शौहर की मौत आती है तो उसकी बीवी साइकिक हो जाती है। जब से कोर्ट में टोनी ने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी तब से मैंने ये मान लिया। क्यों मान गए बेटा, क्यों मान गए? अरे मम्मी जी इसलिए मान गया क्योंकि जो जो सुनीता ने मेरे बारे में लिखा है ना वो सब सच हो रहा है। मम्मी जी अब भी आप चाहती हैं कि मैं सामने आने वाली मौत से अपनी नजरें घुमा लूं? अबे टोनी जैसे आदमी की धमकियों का कोई मायने होता है क्या? बलाज ठीक कर रहे हैं बेटा। काश काश डैडी जी सुनीता ने अपने नॉवेल में ये लिखा होता कि बलराज ठीक कह रहे हैं बेटा, तो मैं ये मान लेता। लेकिन अब तो मम्मी जी भैया जी डैडी जी बाय बाय जी बाय बाय जी। अरे चाची व्हाट अ कंट्रास्ट, तुम ठीक हो? हाँ भैया आज सुबह तक मैं बहुत परेशान थी लेकिन अब नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि सोमू ने जो अपनी हालत बना रखी है वो तो मैंने अपने नॉवेल में लिखी ही नहीं, यानी अब हो ही नहीं सकता। अब मैं लिखूंगी, खूब लिखूंगी। यानी मुझे अब धमकी का कोई डर नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। भैया जी भैया जी अब मैं शेव करके आता हूँ, नए नए कपड़े पहन के आता। इन दोनों में ये डिसाइड करना कि दोनों में से कौन इंटेलिजेंट है चेस से भी डिफिकल्ट है। वाह सुनीता क्या सीन दिखाई, यार टेरिफिक, यार सुपर्ब, यार ग्रेट, संजो कीर्ति, इतना अच्छा सीन दिखा किसे सुनाऊंगी? घर में तो कोई है नहीं, ना दीदी है ना भैया है, यहाँ तक कि करीमा का बच्चा भी नहीं है। क्या बात है बेटे, क्या कोई खुशखबरी है? मैंने इलाज भी निकाल लिया और सीन भी आ गया। ओ सीन आप सुनेंगी ना? हाँ हाँ सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। मुझे जरा प्यास लगी है, मैं थोड़ा पानी पीता हूं। डैडी जी मैं पानी लेकर आती हूं। ये लो मैं अभी आप सुन के जाइएगा। अरे मैं फोन करके आती हूं। अरे ये क्या मम्मी जी, अब आप फोन पर लग जाएंगी तो आधा घंटा निकल जाएगा, प्लीज मेरी बात सुनिए ना। अच्छा पहले तुम सुना। तो सेफ्टी के लिए मैंने एक नया सीन लिखा है। हाँ। समीर का मंदिर में समीर भगवान से कहता है, हे भगवान। ठीक यही कहता है, हे भगवान आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा मगर आज मांगता हूँ, मुझे टोनी जैसे गुंडे से बचा कर रखना प्लीज। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ बस ऐसा ही सीन लिखना चाहिए, भगवान ही है सब कुछ देने वाला। वेरी गुड। अरे कहाँ चली मम्मी जी, मेन सीन तो सुनिए। मेन सीन नहीं है मगर सुनाओ कि नहीं पता नहीं, आजकल मुझे बहुत डर लगने लगा है। सुनाओ सुनाओ, तुम ऐसे ही वहम करती रहती हो। हाँ वही तो, वहम तो जाहिल लोग करते हैं ना। नहीं तुम सुनाओ, अगर कोई बात हुई तो हम तुम्हें टोक देंगे। हाँ तो सुनिए, जेल की काल कोठरी में बैठा टोनी इंतकाम की आग में जल रहा है। जब वो जेल से छूटकर बाहर आता है तो सेंट्रल जेल की गेट पर खड़ा अपनी बीड़ी सुलगा लेता है और अपनी नजरें इधर उधर घुमाता है और फिर समीर के घर को जाने वाले रास्ते पर अपनी नजरें टिका देता है और वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। तभी उसे एक टेलीफोन बूथ नजर आता है और टोनी उस बूथ में घुसकर समीर का नंबर मिलाता है। हेलो नहीं वो तो नहीं है लेकिन हाँ है। हेलो जी मम्मी, मैं कलम तोड़ दूंगी, फ्लॉपी इरेज कर दूंगी, कंप्यूटर फोड़ दूंगी, ये सब मेरी वजह से हुआ। क्या हुआ? वो टोनी आ रहा है समीर से बदला लेने। मैंने कहा था मैं नहीं लिखना चाहती मगर आप लोगों ने जिद किया, अब देखा। अब समीर समीर का हाँ मैं उसे वार्न कर देती हूँ। हेलो हाँ हेलो समीर साहब हैं, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ,
नहीं है, कहाँ गए हैं? किसके साथ? अरे कमाल करते हैं अभी, किसी भी अजनबी के साथ उन्हें जाने दिया? ओ, बच्चे नहीं हुए तो क्या हुआ, अपने बॉस का ख्याल तो रखना चाहिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, जब वो आए तो उन्हें घर भेज दीजिए। हेलो सुनिए सुनिए, उन्हें अकेले मत आने दीजिएगा, सारे स्टाफ का घेरा बनाकर उन्हें घर ले आइए। हाँ उनकी जान को खतरा है। मुझे नहीं, उनकी जान को। हाँ हाँ मैं उनकी जान ही बोल रही हूँ। ये क्या चोचला है मम्मी जी, ऐसे में कोई अपनी बात समझा भी नहीं सकता। मम्मी घबराने की क्या बात है सुनीता, हम इसे सबवर के यहाँ जा रहे हैं, अभी आ जाएंगे। आप चले गए तो मैं अकेली रह जाऊंगी। नहीं नहीं हम अभी आते हैं बेटा। आप समझते क्यों नहीं, वो टोनी आ रहा है ना। हम गए आ रहा है। ओहो मम्मी मेरी बात मानिए मत जाइए प्लीज। मैं कहता हूँ चाची तुम अपने नॉवल का एंड बदल डालो, तभी तुमको तस्कीन आएगा। तुम क्या समीर को इतना बेवकूफ समझती हो कि उसके साथ चला जाएगा जिसके साथ नहीं जाना चाहिए उसे? नहीं मम्मी जी मैं सोमू को बेवकूफ नहीं कह रही हूँ, मगर सच कहती हूँ, वो समीर का दोस्त बनकर इस घर में आएगा और आते ही कहेगा नमस्ते। हाँ बेटे। कैसे हो बेटे? कैसा हूँ? आज मैं बहुत खुश हूं, अपनी मंजिल पे जो पहुंच गया हूं, अब पूरा होगा अपना इरादा। इरादा? ये इरादा बदल नहीं सकते। नाजिना कसम जो खाई थी मैंने कोर्ट में। बेटे इंसान से ही तो गलती होती है। तो इंसान को ही उसकी सजा भी भुगतनी पड़ती है। क्या सोचा है, क्या कसम खाई है? कसम खाने से पहले कुछ सोचा ही नहीं? सोचा, बहुत सोचा, जेल में रहते हुए सोचता ही तो रहा, और अब तो मैंने फैसला भी कर लिया है। क्या? कि मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा अपने अंदर के शैतान को। माँ जी आपका बेटा बहुत अच्छा है, अपन तो गया था उसको मारने, लेकिन उसने एक झटके में अपन को सीधा कर दिया। आपने उसको बहुत अच्छी तालीम दी है माँ जी। थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। नाजीना हम तो यही रहने आए जी। वो हमारे पास एक नाजायज कब्जे का मकान था, समीर साहब ने कहा छोड़ दो, तो हमने वो मकान छोड़ दिया जी। अब तो हम आप लोगों के साथ रहने आए हैं, समीर साहब ने कहा था कि हमारे साथ चलकर रहो, तो हम यहाँ आ गए जी। यहाँ? हाँ हाँ। समीर है कहाँ? वहाँ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। किस बात में डर गए? ये सिर्फ देखने में बड़ा लगता है, ये बिल्कुल हार्मलेस है, कुछ भी नहीं करता। सी ही डजंट माइंड, सी ही डजंट माइंड, ये मेरा दोस्त जॉनी, मेरा मतलब है टॉनी, है आज से हमारे घर में रहेगा। यहाँ यहाँ समीर। मम्मी जी आप ही ने तो कहा था कि प्यार करने के लिए थोड़ा भरोसा करना जरूरी होता है। मेरे दोस्त आओ तुम्हें हमारा कमरा दिखा दो, मतलब मेरा मतलब है तुम्हारा कमरा दिखा दो, ये लो सूटकेस, वेरी स्वीट, सी ही डजंट माइंड, सी ही डजंट माइंड। बेटा समीर इतना बेवकूफ नहीं है। मम्मी जी। अरे पति पे नहीं तो परमेश्वर पे तो भरोसा रखो। ए भगवान मेरे सोमू की रक्षा करना। चुपचाप चले या शोर मचे, जान जाए या जान बचे, रोज नया एक खेल रचे, ये किस्सा है संगीन। पैरों तले रहे जमीन, देख भाई देख, हा देख भाई देख, जमाना है रंगीन। देख भाई देख, ओए देख भाई देख, इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है। देख भाई देख, देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है।